हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1150 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने यूनिट फोर्थ का लेक्चर लास्ट, जो कि लेक्चर हमारा सेवेंथ है। लेक्चर सिक्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ विनक्रेस्टीन एंड विनब्लास्टीन के बारे में। तो इसके लिए हम बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा नाम है सिंह सिंह। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो, और वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है। और यदि कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके लिए उसका आंसर मिलेगा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। विनक्रेस्टीन एंड विनब्लास्टीन के लिए हम एक ही साथ डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है विनक्रेस्टीन या विनब्लास्टीन का, इसके लिए हम आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द ड्राई होल प्लांट से ऑफ जो कि कैथरंथस रोजियस और रोजिया का जो हमारा प्लांट होता है। फैमिली विनक्रेस्टीन और या विनब्लास्टीन की हमारी जो फैमिली होती है एपोसाइनेसी होती है। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसका हम कैसे करते हैं, तो इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने के लिए हम ड्राई लीफ लेते हैं, ड्राई लीफ का मटेरियल लेते हैं, जो कि उसके लिए हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विद ए सोल्यूशन से ऑफ हॉट इथेनॉल वाटर एसिटिक एसिड, जिसका जो है 9:1 लेते हैं। सॉल्वेंट जिसमें हम उसके लिए रिमूव, जो भी हमारा सॉल्वेंट होता है उसके लिए हम रिमूव करते हैं ऑफ द रेसिड्यू। फिर हमारे जो रेसिड्यू मिलता है उसके उसमें हम ऐड करते हैं हॉट विद हॉट 2% HCl सॉल्यूशन उसमें हम ऐड करते हैं। ये स्टेप करने के बाद हम उसमें एसिडिक एक्सट्रैक्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं उसका 2 pH जो कि 4 फॉर प्रेसिपिटेटिंग दी नॉन एल्कोलाइडल कंपोनेंट दैट आर, उसके लिए हम फिर सेपरेट करेंगे बाय फिल्ट्रेशन के द्वारा। फिर नाउ जो हमारा एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसका जो पीएच एडजस्ट करेंगे 7, फिर हम उसके लिए एक्सट्रैक्ट करेंगे बेंजीन के साथ। देन फिर जो हमारी बेंजीन की लेयर होगी वो इवेपोरेट हो जाएगी और जो हमारा ऑप्टेन होगा वो बिनका एल्कोलाइड्स ऑप्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमारे लिए ऑप्टेन करना था, उसी का हमारे लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना था। बात करते हैं एस्टिमेशन की। तो जो हमारी बिनका या बिनब्लास्टीन या विनक्रेस्टीन जो हमारा क्रिस्टीन होता है, इसका एस्टिमेशन करने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड जिसमें हमारा है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, डिटेक्शन जो हमारी होती है यूवी की जो रेस होती है वो 254 माइक्रोमीटर होती है। डीआरजी नंबर इसका 313B एंड विजिबल रेंज इसकी होती है, ठीक है। एंड ड्रग सैंपल हमारा जो है वो बिनका हम अपने ड्रग सैंपल में लेते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड सैंपल। और जो हमारा रेफरेंस कंपाउंड जो होता है वो T1 बिनकामीन एंड T2 बिनकामाइनी एंड T3 बिनकीन होता है, ठीक है, बिनसीन। और जो हमारा सॉल्वेंट सिस्टम है हम इथाइल एसिटेट मिथेनॉल लेते हैं, जो कि 90:10 का हम 10 लेते हैं, 10 अपना बनाते हैं। और इस नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है USPNF 1995, यानी कि डाई इथाइल एमीन सॉल्यूशंस। मीन्स इसमें जो है इस मेथड में हम जो अपना डाई इथाइल एमाइन सॉल्यूशंस के लिए लेते हैं, सॉल्यूशन से हम इसके लिए जो है एस्टिमेशन करते हैं डाई इथाइल एमाइन सॉल्यूशन से। और इसमें हम करते क्या है, 5 ml ऑफ डाई इथाइल एमाइन के लिए मिक्स करते हैं 295 ml ऑफ वाटर में, एंड उसका जो pH होता है वो हम एडजस्ट मेंटेन करते हैं 7.5 विद फास्फोरिक एसिड से। और मोबाइल फेस में हम जो है एक फिल्टर एंड डिगेस्ट मिक्सचर हम लेते हैं और मिथेनॉल का, ठीक है। एंड उसके लिए हम डाई इथाइल एमाइन सॉल्यूशन से सॉल्यूशन बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जो कि 70:30 होता है। इसके लिए हम प्रिपेयर करने के बाद जो फिर हम स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक्यूरेटली वे करते हैं क्वांटिटी ऑफ USG विनक्रेस्टीन सल्फेट के लिए, जो कि उसके लिए हम फिर डिजोल्व करते हैं वाटर में, जिससे कि हम अचीव करते हैं 1 mg पर ml कंसेंट्रेशन उसकी अचीव करते हैं। इसके बाद में हम उसके यहाँ जो है एस्टिमेशन करने के लिए ऐसे भी परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे परफॉर्म करने के लिए तो ऐसे को हम प्रिपरेशन करते हैं ऐसे की, तो उसमें हम एक पोर्शन लेते हैं विनक्रेस्टीन का, फिर हम उस विनक्रेस्टीन का एक पोर्शन हम इक्विलिब्रेटेड करते हैं फॉर 30 मिनट्स विद एन एम्बिएंट ह्यूमिडिटी इसकी अबाउट 10 mg। यदि हम ट्रांसफर करें टू 10 ml ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, तो उसमें हम डिजोल्व करेंगे इन वाटर टू मेकअप, जो कि उसका वाटर का मेकअप होगा जितनी भी उसकी रिक्वायर्ड होगी वॉल्यूम, उसका हम वॉल्यूम जो है वाटर का उतना ही उसमें हम वॉल्यूम मेकअप करेंगे, ठीक। सिस्टम स्टेबिलिटी प्रिपरेशन हमारी क्या होगी, इसमें कुछ सिस्टम जो हमारा होता है उसकी स्टेबिलिटी प्रिपरेशन के लिए भी हमें प्रिपेयर करना होता है।
तो इसका यूटिलाइजेशन में हम सिस्टम स्टेबिलिटी प्रिपरेशन में क्या करेंगे, 5 mg ईच ऑफ यूएसपी विनक्रिस्टीन जो है सल्फेट उसके लिए एंड विन ब्लास्टिन सल्फेट को हम ट्रांसफर करेंगे 5 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। फिर उसमें हम डिजोल्व करेंगे वाटर, फिर हमारा जो रिजल्टेंट होगा सॉल्यूशंस वो फर्दर डायल्यूट हो जाएगा विद, फिर हम डायल्यूट होने के बाद उसके लिए हम फर्दर डायल्यूट करेंगे, सॉरी जो हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशंस होगा उसके लिए हम फर्दर डायल्यूट करेंगे विद वाटर वाटर से, एंड फिर हम जो मेकअप द वॉल्यूम उसका जो वॉल्यूम है जितना भी वो उससे रिक्वायर होगी उस उतना हम उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे। लास्ट में हम देखते हैं इसका, इस तरह से हम अपना इसका एस्टिमेशन कर सकते हैं विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टिन का। लास्ट में देखते हैं इसके यूटिलाइजेशन के बारे में। तो इसका यूटिलाइजेशन मीन्स इसका हम यूज जो है ट्रीट वेरियस टाइप ऑफ कैंसर, यानी कि विनक्रिस्टीन विनब्लास्टिन का हम यूज वेरियस टाइप ऑफ कैंसर में यानी कि यूज का हम यूज करते हैं, और इसका हम यूज जो है इट इज ए कैंसर कीमोथेरेपी जो ड्रग होती है उसको उसमें यूज करते हैं, दैट इज यूजली विद अदर कीमोथेरेपी ड्रग टू स्लो और स्टॉप कैंसर सेल ग्रोथ, जो कि कैंसर की सेल की जो ग्रोथ होती है उसके लिए स्लो करती है या उसके लिए स्टॉप करती है विनक्रिस्टीन या विनब्लास्टिन। तो उसमें उस ड्रग में हम इसका विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टिन का यूज करते हैं। तो इस तरह से इसका यूटिलाइजेशन हुआ। और बस ये हमारी यूनिट 4th का लास्ट लेक्चर था और हमारी यूनिट 4th समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अकॉर्डिंग टू सिलेबस किसी और सब्जेक्ट या किसी या इसी मतलब सब्जेक्ट की जो कि यूनिट 5th होगी। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।